once again welcome to our channel Portal to Study. So today we'll discuss some questions from the given question bank from the state board. तो आप लोगों को स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से खास तौर से 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक दिए गए और उसके नीचे जो दो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस के लिए है और सेकेंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही, ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है. स्विमिंग पूल में जब एक कोई स्पेसिफिक हाइट से डाइवर जंप करता है तो वो बीच में कुछ एथलेटिक्स करता है, उसके बाद में जब वो पानी के अंदर जस्ट जाने वाला होता है तो वो उसका हेड बेंड करता है, वो क्यों? अब इसका बेसिक रीजन ये है कि जब भी आदमी खड़ा होता है या फिर इफ अ मैन इज स्टैंडिंग देन इफ ही इज स्ट्रेचिंग हिज हैंड्स हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस. व्हाई? अब हमारे पास एक बेसिक रिलेशन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये मैक्सिमम फॉर्मूले के लिए वैलिड है. तो सेंटर ऑफ मास से जो रिलेशन, सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस होता है आर, तो ये आर जितना बढ़ेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा. तो यहां पर डाइवर बिफोर डाइविंग इन द पूल वांट्स टू डिक्रीज हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसके भी दो रीजन है. एक तो यह है कि पानी का जो सरफेस टेंशन होता है उस पर अगर आप फ्लैट गिरेंगे तो आपको बहुत डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर एक पॉइंट या फिर एक कुछ स्मॉल सरफेस एरिया से आप अंदर जाएंगे तो इजीली अंदर जा सकते हैं, वो है पानी का सरफेस टेंशन. तो यहां पर इसका आंसर होगा डिक्रीज इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व व्हेन. दिस इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम थ्योरम. इट सेज दैट एल, it says that tau is equal to dl by dt. अब यहां पर है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होगा, मतलब l की वैल्यू कॉन्स्टेंट या कंजर्व कब होंगी, तो वो कब होंगी जब tau जीरो होगा. अब कोई भी चीज का डेरिवेटिव जब जीरो है मतलब वो चीज कॉन्स्टेंट या कंजर्वड है. therefore l is either constant or conserved. तो यहां पर हमारा आंसर हो गया When no external torque acts upon the system. यहाँ पे टॉर्क जीरो है. टॉर्क जीरो है मतलब no external torque is acting on the system. The third MCQ is a stone is tied to one end of the string, holding the other end. A string is whirled in horizontal plane with a progressive increasing speed. ऐसे एक स्टोन को एक धागे से बांध दिया और ये ऐसे घुमा है इसको. अब क्या होगा? With progressively increasing speed, speed इतनी बढ़ा रहे कि it breaks at some speed. वो कुछ स्पीड बढ़ाने के बाद ब्रेक हो जाएगा. क्यों? जब भी सर्कुलर मोशन ऐसे परफॉर्म होगा तो ये है फॉर एग्जांपल वो सर्कुलर पाथ, ये है उसका रेडियस, ये सेंटर और ये है वो स्टोन. तो वो स्टोन को एक टेंशन, इट विल एक्सपीरियंस अ टेंशन टुवर्ड्स द रेडियस एंड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स एंड इक्वल अमाउंट इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल जो फोर्स है ये इक्वल इन अमाउंट होंगे, उनका जो अमाउंट जो वैल्यू होंगी वो इक्वल होंगी. तो अगर ये जो टेंशन है, टेंशन का फोर्स जो है, तो अगर वो फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये फोर्स अगर अनइक्वल हो गया और ये ज्यादा बढ़ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वो पार्टिकल बाहर चला जाएगा सर्कुलर मोशन की, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इट विल ब्रेक, वो जो स्ट्रिंग होंगी वो ब्रेक होंगी और पार्टिकल सर्कुलर मोशन से बाहर चला जाएंगे. तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स विल बी ग्रेटर देन द टेंशन सस्टेन्ड बाय द रिंग. विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एट अ डिस्टेंस आर बाय टू अराउंड अ रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ द लूप इज. अब यहां पर हमको यूज करना है
पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर एट डिस्टेंस आर बाय टू रोटेटिंग एक्सिस पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर कंसिडर किए तो ये आर बाय टू डिस्टेंस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो हमको निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमको एक फॉर्मूला मालूम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि आईओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, राइट। अब ये एच ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है हमारा आर बाय टू, ये ओरिजिन से, और आई सी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर लूप, लूप मतलब बेसिकली रिंग होता है, तो रिंग का हमको मालूम है कि सेंटर से अगर पास होंगी एक्सिस तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय टू, और यहां पर एच है हमारा आर बाय टू, तो ये हो जाएगा आर बाय टू होल स्क्वायर, तो इसका आंसर रहेगा एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस एम आर स्क्वायर बाय फोर। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये हो जाएगा इंटू टू डिवाइड बाय टू, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, टू एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इज थ्री एम आर स्क्वायर बाय फोर, तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन हो गया बी। लेट्स टेक ऑन द फिफ्थ एमसीक्यू, अ 500 केजी कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आर, यहां पर यूनिट इंपॉर्टेंट है, द सेंट्रीपेटल फोर्सेस। अब सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहां पर आंसर में सब न्यूटन में दिया हुआ है, तो ये यूनिट को भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मास है 500, वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आर, तो हम उसको भी कन्वर्ट करेंगे, और रेडियस है 50 मीटर। अब 36 किलोमीटर पर आर, 36 इंटू 36 ये हो गया स्क्वायर का। अब किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से, ये कन्वर्जन फैक्टर है उसका। अब ये करेंगे तो 18 ones are 18, 18 twos are 36 and again 18 ones are 18, 18 twos are 36 and it's 50 ones are 50, 50 tens are 500। अब ये क्या बचा 2 twos are 4, 4 into 5 20, 20 into 500, 100 into 10 is 1000, so the answer is 1000 newton। So the next MCQ is, a cyclist riding a bicycle at a speed of 14√3 meter per second takes a turn around a circular road of radius 20√3 meter without skidding, given g is equal to 9.8, what is his inclination to the vertical, मतलब यहां पर थीटा निकालना है, इंक्लिनेशन एंगल थीटा, तो हमको इसका फॉर्मूला मालूम है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी, व्हाट इज वी, 14√3, सो 14√3 इंटू 14√3 अपॉन आर, आर कितना है 20√3 और जी है 9.8। अब यहां पर ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, टू टेन जा 20, टू सेवन जा 14, ये √3 कैंसिल हो गया। अब ये 10 इंटू 9.8 होगा 98 और 7 इंटू 14 ये भी होगा नियरली 98, तो यहां बचेगा 10 inverse of √3, क्या होगा 10 inverse of √3 होगा 60 degree, तो हमारा राइट आंसर है 60 degree। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट वन एंड कैरीज अ मास एम एट द अदर, द स्ट्रिंग मेक्स 2π revolutions per second, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर टू, अराउंड द वर्टिकल एक्सिस थ्रू अ फिक्स एंड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। अब टेंशन का बेसिक फॉर्मूला ये है, टेंशन इज एम आर ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट। अब यहां पर है ओमेगा दिया है लेकिन रेवोल्यूशंस पर सेकंड में है, अगर ये एक सर्कुलर मोशन कंसिडर किए तो एक रेवोल्यूशन मतलब पार्टिकल यहां से निकल के वापस से यहां पे आना चाहिए। अब अगर हम उसको एंगल में मेजर करने गए तो ये एंगल कितना होगा 2π रेडियन, राइट। अब यहां पर स्ट्रिंग की लेंथ क्या बोला है एल, तो ये आर के जगह सिर्फ हम रखेंगे एल, एम एल। अब ओमेगा कितना दिया है 2π, लेकिन वो दिया है रेवोल्यूशंस पर सेकंड में, तो रेवोल्यूशंस पर सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2π को 2π से, और इसका यहां पर स्क्वायर है तो ये पाए पाए तो कैंसिल हो गया, 2 into 4, 4² = 16, सो द आंसर इज 16L। सो लेट्स सी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो यहां पर हमको बोला गया है कि रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के
उसको कैसे डिनोट किया जाता है वो निकालना है यूनिफॉर्म डिस्क का। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिस्क है और ये सेंटर है, तो इसके अराउंड हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम दो वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एमआर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये इन जनरल फॉर्मूला है, ये डिस्क के लिए नहीं है, और ये इन जनरल सबके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाय एम। अब हम फर्स्ट मेथड से देखते हैं। यूनिफॉर्म डिस्क के लिए हमको मालूम है कि आई इज इक्वल टू एमआर स्क्वायर बाय टू और ये इक्वल टू एम के स्क्वायर होगा, ये इन जनरल फॉर्मूला है। और ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू है सेंटर से जब पास होंगे। अब यहां पर एम एम कैंसल हो गया तो क्या बचा के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय टू। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब के इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर बाय टू और आर स्क्वायर और रूट और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते तो ये आर और ये रूट टू बचा। अब सेकेंड वे ये है, ये फॉर्मूला के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाय एम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू इट सेंटर होता है हमको मालूम है एम आर स्क्वायर बाय टू। अब यहां से भी ये एम एम कैंसिल हो गया तो बचा अंडर रूट आर स्क्वायर बाय टू और वो होगा आर बाय रूट टू। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज डज द एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। कि जब भी कोई रोड पे एक टर्न होगा सर्कुलर टर्न, तो वो टर्न पे जब भी कोई व्हीकल मूव करेंगी तो क्या उसका मास डिपेंड करेगा एंगल ऑफ बैंकिंग पे, या कुछ इफेक्ट होगा वो, या कुछ रिलेशन होगा वो दोनों के बीच में, तो हम देखते हैं। वी नो दैट द एंगल ऑफ बैंकिंग इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। अब यहां पर ये नोटेशंस क्या क्या है, हियर थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब वो रोड पे से कितना हाइट या कितना लो है उसका इंक्लिनेशन। अब उसके बाद वी, वी क्या है स्पीड ऑफ द व्हीकल, आर क्या है रेडियस ऑफ द पाथ मतलब वो कितना कर्व्ड पाथ है या फिर कितना उसका कर्वेचर कितना है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो हमको मालूम ही है। अब ये फॉर्मूले में आपको एम कहीं नहीं दिख रहा होगा, मास ऑफ द व्हीकल, तो हम यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं कि सिंस द मास ऑफ द व्हीकल इज एब्सेंट इन द फॉर्मूला द एंगल ऑफ बैंकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। यहां पर सिंपली ऐसा बोल सकते कि नो द एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द आइस बैलेट व्हाइल इन द आउटर राउंड्स व्हाई डू द डांसर्स आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट एमसीक्यू में देखा था एक क्वेश्चन, कि जब भी कोई एक पर्सन अगर ही स्टैंडिंग विद हिज हैंड्स आउटस्ट्रेच सो हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हायर देन द मैन हु इज स्टैंडिंग बाय फोल्डिंग हिज हैंड्स। तो यहां पर जब भी एक आउटर राउंड्स पे टर्न करना होता है उनको, तो उनको उनकी स्पीड कम करनी होती है, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड में रहेंगे तो स्किड होने के या गिरने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, तो इसलिए उनकी स्पीड कम करने के लिए उनको उनके हैंड्स और लेग्स स्ट्रेच करने पड़ते हैं। दिस इज ऑल दैट इज रिटन हियर ड्यूरिंग आइस बैलेट वाइल इन द आउटर रोड्स द डांसर्स आउटस्ट्रेच देयर आर्म्स एंड लेग्स टू रिड्यूस देयर एंगुलर स्पीड। When the dancers wish to decrease their angular speed, they need to increase the moment of inertia. Moment of inertia increase करने के लिए उनको hand stretch करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये इसका reason हो गया। The next question is state the principle of conservation of angular momentum. So we'll first state the angular momentum and give its mathematical formula. So first the principle states that the angular momentum L is conserved in the absence of external unbalanced torque. मतलब अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, मतलब ये टॉ इज इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एल, मतलब अगर टाइम के साथ जो एल चेंज हो रहा है वो हमको बताएंगे टॉर्क। बट इफ टॉ इज इक्वल टू जीरो मतलब अगर टॉ ही जीरो है, एक्सटर्नल कुछ भी फोर्स नहीं है उस पर, तो डी एल बाई डी टी जीरो। एंड वी नो दैट व्हेन डेरिवेटिव ऑफ एनी टर्म इज जीरो दैट टर्म इज कॉन्स्टेंट और कंजर्व। तो ये हमने यहां पर यही बता दिया। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is two bodies are having their moments of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If the kinetic energies of rotation are equal, then what is the ratio of the angular velocity? Kinetic energy ka formula yaad hona chahiye. Let the kinetic energies of two bodies be kinetic energy 1 and kinetic energy 2 respectively and the moment of inertia I1 and I2 respectively. Ye sirf introduction dena padta hai humko question mein ki kya given hai aur kya nahi hai. Ye har question mein har numerical mein aapko dena zaruri hai given data. So therefore, I1 is equal to I and I2 is equal to 2I, right?
अब यहां पर हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विल बी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हियर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द रोटेशन आर इक्वल, सो विल से काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, सो विल पुट हियर द फॉर्मूला हाफ आई 1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई 2 ओमेगा 2 स्क्वायर। अब हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, अब यहां पर ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर को यहां पर लेके आ गए और ये आई 1 को इधर भेज दिया तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, सो इट विल बी ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आई 2 अपॉन आई 1, और आई 2 आई 1 की वैल्यू हमको मालूम है, आई 2 की वैल्यू है 2 आई और आई 1 की वैल्यू आई, तो वो यहां पर पुट कर दी तो आई आई कैंसिल हो गया और बचा 2:1। लेकिन अब यहां पर ये स्क्वायर है तो हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 1 एंड रूट 1 इज 1 और ओमेगा 1 इज 2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू रूट 2:1। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ होलो स्फीयर हैज रेडियस 6.4 मीटर, what is the minimum velocity required by a motorcyclist at bottom to complete the circle? ab ye ek vertical circle hai to vertical circle pe har jagah pe velocity different hoti hai, yahan par aur yahan par, to minimum point pe bottom point pe maximum velocity hona chahiye particle ke paas taki wo vertical circular motion perform kar sake। ab yahan par humko given data mein radius diya hai aur v मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम वेलोसिटी यहां पर कितनी देना पड़ेगा ताकि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, तो उसका फॉर्मूला होता है बॉटम पोजीशन पे मिनिमम वेलोसिटी का वी मिनिमम इज इक्वल टू अराउंड 5 rg। अब यहां पर कुछ नहीं, बस वैल्यूज पुट करना है, थोड़ा कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है, तो अराउंड 5 × r कितना दिया 6.4 × 9.8, तो इसको आप अगर लॉग बुक से निकालना चाहे तो लॉग बुक से भी निकाल सकते हो उसका इजी कैलकुलेशन के लिए, और इसका आंसर आएगा 17.7 m/s। So the next question is, a bend in a level of a road has a radius of 100 meter. Find the maximum speed which car turning this bend may have without skidding. मतलब maximum speed कितनी हो सकती without skid के, मतलब accident या damage से के बगैर कितने maximum speed हो सकती है? और यहाँ पर coefficient दिया हुआ है, coefficient of friction between the tires and the road is 0.8. So the given data is radius is 100 meter and the coefficient of friction is 0.8, mu 0.8. So we know the formula of maximum speed that is given by v maximum is equal to under root mu rg. कुछ नहीं, फिर से यहाँ पे values put करना है और answer निकालना है, तो 0.8 × 100 × 9.8, so that will be under root 784 and root of 784 is 28 m/s v maximum. The next question is short answers, question number 1, that is of 2 marks each. So in this a flywheel is revolving with constant angular velocity, a chip of it rim breaks and flies away. So what will be the effect on the angular velocity? अब यहां पर एक बोल रहा है कि फ्लाई व्हील घूम रहा है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और उसका एक टुकड़ा एक चिप रिम मतलब एज पे से टूट के चला गया, तो उसके एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अब हमको ये मालूम है कि इफ इट इज रिवॉल्विंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। क्यों? क्योंकि अगर एक्सटर्नल टॉर्क उस पर अप्लाई करे या फिर उसको घुमाए तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन यहां पर दिया है इट इज रिवॉल्विंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, राइट? सो इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, सो द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज विल बी जीरो, सो द टॉर्क विल बी जीरो हियर, सो द एल विल बी कांस्टेंट और कंजर्व्ड, एंड वी ऑल्सो नो दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा दिस फॉर्मूला, सो वी कैन से आई को अगर इधर भेजिए तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू एल बाय आई, लेकिन हमने यहां पर देखा कि L इज कांस्टेंट, सो वी कैन कंक्लूड दैट ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, राइट? सो ओमेगा एंड I, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली शोज या बेसिकली एक्सप्रेसेस द मास ऑफ द बॉडी। अब अगर यहां पर हम बोलते हैं कि उसके सरफेस पे का एक चिप टूट के निकल गया, तो चिप का कुछ ना कुछ मास होगा, तो टोटल मास में से वो मास थोड़ा कम हो जाएगा। अब वो मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो ओमेगा पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक चीज कम होगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, तो देयरफॉर व्हेन अ चिप ऑफ फ्रेम ब्रेक्स एंड फ्लाइज अवे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज एंड हेंस द एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज। लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन is 5/4 mr square, where m is the mass and r is the radius of the disc.
फाइंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि ये आई टी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट हमको दिया हुआ है 5/4 mr². अब हमने इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स पढ़े, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्यों हम इसके रीजन आगे देखते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस है गोइंग थ्रू द सेंटर और थ्रू द डायमीटर, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला है I = IC² + mh² IC मतलब पासिंग थ्रू सेंटर, तो ये डायमीटर भी पासिंग थ्रू सेंटर ही होता है। तो यहां पर IT हमको मालूम है 5/4 mr² और ID हमको निकालना है, और H मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो ये डिस्टेंस है R रेडियस, तो ये हो गया mr². अब ये mr² को इधर भेजिए तो 5/4 mr² - mr² कॉमन लिए 5/4 - 1 तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 5 - 1 = 4/4 तो ये हो जाएगा mr² / 4 तो ये हो गया ID। अब यहां से हमको नेक्स्ट यूज करना पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कैसे? अब ये हमारे पास ये एक आ गया ID, और ID मतलब डायमीटर के अलोंग हम कौन सा भी डायरेक्शन से उसको ले सकते हैं, तो अगर ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं डायरेक्शन, तो अगर देखा जाए तो ये और ये परपेंडिकुलर हो गए दोनों। तो यहां पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है IZ = IX + IY ये अप्लाई कर सकते हैं। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम IZ = IX + IY या साइक्लिक बेस में चेंज कर सकते हैं इसे। तो अब हमने यहां पर देखा है कि ये और ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी ID है, यहां पर हमने वैल्यू पुट कर दिया इसकी, तो ये हो जाएगा ID + ID ये हो जाएगा 2 ID, और ID हमने कैलकुलेट किया mr² / 4 तो IC 2 × mr² / 4 2 × 1 = 2 2 × 4 तो ये हो गया IC। सो लेट अस गेट ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question, derive is expression for maximum safety speed with which vehicle should move along a curved horizontal road. State the significance of it. मतलब एक horizontal road है, straight road है, लेकिन वो curved है, तो उसकी maximum safety speed मतलब अगर वो speed से ज्यादा से अगर vehicle move होती है तो accident हो सकता है या skid हो सकती है, तो वो हमको निकालना है, उसका significance मतलब वो formula हमको क्या बता रहा है ये हमको explain करना है। अब यहां पर लैंग्वेज का आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप आपके ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो हम पहले बेसिकली बताते हैं कि क्या है और क्या होगा। कंसीडर m इज द मास ऑफ द व्हीकल, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब यहां पर हम देखेंगे कि वो व्हीकल पे कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल विल बी फर्स्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, एंड द सेकंड विल बी द वेट ऑफ द व्हीकल, एंड थर्ड विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। सो हियर अब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव हो रही है तो उसके पास सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो हो गई, तो अब वो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन उसको प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन ड्यू टू द टायर्स। तो अब सेंट्रीपेटल फोर्स, अब नेचर लव्स बैलेंस, फिजिक्स में हर जगह आपको बैलेंस देखने को मिलेंगे, मतलब अगर कोई फोर्स है तो उसके बैलेंस में कोई ना कोई फोर्स भी होंगी होंगी। तो अब यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब वी नो दैट द सेंट्रीपेटल फोर्स इज गिवन बाय mv² / r and the force of friction is given by mu n, where mu is coefficient of friction. अब यहाँ पे n है normal reaction. अब normal reaction यहाँ पे कोई vehicle move हो रही है तो वो होता है उसका weight. Here the normal reaction n is the weight of the vehicle, that is n is equal to mg. तो उसको यहाँ पर ये equation में put कर दिया n के जगह, n is equal to mg. n के जगह यहाँ पर हमने put कर दिया mg. तो अब यहाँ पर ये m और ये m cancel हो गया, तो बचा v² / r is equal to mu g. अब ये r इधर आ गया, तो v² = μgr या μrg. अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया हमने, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा √μrg. तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला। अब ये मैक्सिमम स्पीड है फॉर पर्टिकुलर रोड, अगर कंसीडर किए तो उसका सर्कल रेडियस कुछ तो कॉन्स्टेंट होगा रोड का, जी तो कॉन्स्टेंट है ही 9.8 m/s, तो वी मैक्स किस पे डिपेंड हो रहा है, म्यू पे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये वेदर के हिसाब से चेंज होगा या एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज होगा। कैसे? जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब व्हेन इट इज अ रेनी सीजन द रोड इज टू स्लिपरी। व्हाई इट इज टू स्लिपरी? बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड डिक्रीजेस, एंड इन द समर सीजन दिस म्यू इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इंक्रीजेस।
सो हेंस दैट वाई दैट्स वाई इट चेंजेस विद द एटमोस्फियर और द सीजन और द वेदर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज 1.2 केजी मीटर स्क्वायर. इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट फॉर व्हाट ड्यूरेशन ऑन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड अबाउट एन एक्सिस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल. अब यहां पर हम क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, फिर इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, पहले बॉडी रेस्ट में मतलब वो मूव नहीं हो रही है, तो हम यहां पर ये चीज लिख ले सकते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0. अब कितने देर के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन इतना देना पड़ेगा कि वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी 1500 जूल होनी चाहिए. तो पहले तो गिवन डेटा हम लिख लेंगे I is equal to 1.2 केजी मीटर स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन वी डिनोटेड बाय अल्फा सो इट विल बी 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 1500 जूल्स राइट. एंड हमको ओमेगा 2 मतलब के लिए उसको कितना स्पीड देना पड़ेगा ओमेगा 2 या फिर कितनी देर के लिए वो घूमेगा. तो हमको ये फॉर्मूला मालूम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन विल बी हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर क्योंकि इनिशियली इट इज एट रेस्ट, इसलिए हम यहाँ पे ओमेगा 2 लेंगे. तो अब यहाँ पे वैल्यूज कुछ नहीं, वैल्यूज पुट कर देंगे 1500 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1.2 इंटू ओमेगा 2 स्क्वायर. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 2 2 0.6, अब ये हो जाएगा फिर 1500010 इधर बढ़ा दिया तो इधर ये हो जाएगा 6, 6 1 6 6 2 12 6 5 30, ये हो गया 2500. अब ये स्क्वायर है तो दोनों जगह स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 25 × 10^2 या फिर 25 × 100 तो 25 का रूट 5 और 100 का रूट 10 तो 5 × 10 दैट इज 50 रेडियन पर सेकेंड. और हमको ये फॉर्मूला मालूम है ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी. अब ये फॉर्मूला कहाँ से है, हमने लीनियर मोशन में इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखा था वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टाइम्स टाइम. अब यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है एंगुलर वेलोसिटी से जैसा हमने देखा था, और इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से. तो अब यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो है, तो यहाँ पर जीरो पुट कर दिया तो आएगा ओमेगा 250 इज इक्वल टू अल्फा इंटू टाइम. तो अल्फा यहाँ पर कितना है एंगुलर एक्सेलरेशन 25, सो 25 इंटू टी सो दिस विल बी 25 1 25 25 2 50, देयरफॉर द टाइम विल बी 2 seconds. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बकेट कंटेनिंग वाटर इज टाइड टू वन एंड ऑफ द रोप 5 मीटर लॉन्ग एंड इट इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल अबाउट द अदर एंड. Find the number of rotations per minute in order such that the water in the bucket may not spill. अब यहाँ पर हमने एक बकेट में पानी लिया, उसको हम वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा रहे हैं. अब जब वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे तो अगर वर्टिकल सर्कल के टाइम पे यहाँ पर अगर रोक दिए तो पानी अपने ऊपर आ जाएगा पूरा, तो उसको कुछ ऐसी स्पीड से घुमाना पड़ेगा कि वो पानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वहीं पर रहे. तो हमको वही निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, पर मिनट ये इंपॉर्टेंट है, इधर पर मिनट निकालना है. तो जब भी कोई बॉडी है जैसा हमने देखा था बैलेंस, तो यहां पर सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में उसका जो बकेट का वेट होगा तो वो किससे बैलेंस होगा, सेंट्रीपेटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है एम आर ओमेगा स्क्वायर और वेट एम जी राइट. तो अब यहां पर एम एम कैंसिल हो गया, अब ये आर को इधर भेजिए तो आर नीचे आ गया. अब यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट कंसीडर किए तो ओमेगा विल बी इक्वल टू √g / r और g होता है 9.8 एक्चुअली, फिर हम कैलकुलेशंस इजी करने के लिए उसको 10 कंसीडर करें यहाँ पे और r है 5 दिया हुआ तो 10/5 विल बी √2 एंड द रूट विल बी √2 सो ओमेगा विल बी √2 रेडियन पर सेकेंड. अब ओमेगा का फॉर्मूला हमको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T एंड 1/T 1/time इज फ्रीक्वेंसी n सो दिस विल बी 2π n. So if we want to calculate the frequency, we will do like this. Omega is equal to 2π n. 2π will go उसको इधर भिजा देंगे और n हो जाएगा √2/2π. अब ये हो गया per second. अब हमको calculate करना है number of rotations या फिर frequency per minute. Per minute निकालने के लिए उसको हमको multiply करना पड़ेगा 60 से और calculation करने के बाद इसका आंसर आएगा 13.5 revolutions per minute. So let us get on to the next question. The next question is a body weighing 0.5 kg tied to a string is projected with a velocity of 10 meter per second. The body starts whirling in a vertical circle. If the radius of the circle is 0.8 meter, find the tension in the string when the body is at the top of the circle. अब ये है कि एक body जिसका weight है आधा किलो, तो उसको project किए velocity से 10 meter per second, मतलब घुमाए,
सो द बॉडी स्टार्ट्स व्हर्लिंग इन वर्टिकल सर्कल. वर्टिकल सर्कल में वो बॉडी घूम रही है, उसका रेडियस है 0.8 meter. तो उसका हमको टेंशन, ये पॉइंट पे टेंशन निकालना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे. अब वी नो दैट द टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. अब ये बॉडी है, वेट, वेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउन परपेंडिकुलर टू द बॉडी. तो ये वेट भी नीचे है और टेंशन भी सेंटर की तरफ है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. तो यहां पर हम वेक्टर एडिशन या वेक्टर लॉ के थ्रू गए, तो हमको मालूम पड़ेगा कि विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी टेंशन प्लस द वेट ऑफ द बॉडी. तो अब हमको यहां पर टेंशन निकालना है, तो टेंशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वी नो दैट इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, दिस एम जी विल गो हियर एंड विल बी माइनस एम जी, राइट. सो विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. सो एम हियर इज गिवन 0.5, it is 0.5, v is 10, so here is e square, so it is 10 square, r is 0.8 meter, so we'll have 0.8 meter here, and again here we have mg, m is 0.5, g is for easy calculation we'll take 10, so after this calculation you will get 57.5 meter. Here we end short questions, and in the next lecture we'll see the further questions. So like and share this video. And thank you.